गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपसे तो मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो चलो आज मैं आप सबको एक बोलने वाली हूँ हॉरर स्टोरी, तो चलो शुरू करते हैं। तो बहुत सालों पहले की बात है, सौरभ और शीतल और उनके दो बच्चे रागिनी और रोहित एक साथ एक शहर में रहते थे और वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन सौरभ एक दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाते हैं और उनको रहने के लिए एक बड़ा सा घर मिलता है और सौरभ और शीतल रोहित को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन रागिनी को उस रोहित से कम प्यार करते थे। रोहित बहुत ही बुरा लड़का था और उसके मम्मी और डैडी से प्यार नहीं करता था। सौरभ और शीतल रोहित के स्कूल के एडमिशन को लेकर बहुत ही परेशान में और डिप्रेशन में थे। ठीक है, तो सौरभ का जो बॉस है, सौरभ उसके बॉस को बोलकर रोहित को एक बड़े से स्कूल में एडमिशन कराता है और उस स्कूल में सिर्फ एक ही बच्चे का एडमिशन होने वाला था और सौरभ ने कहा कि मैं रोहित का ही एडमिशन कराऊंगा। फिर रोहित का ही एडमिशन होता है और फिर दूसरे दिन रोहित रागिनी को उसका न्यू बोतल, न्यू बुक्स, न्यू बैग, न्यू पेंसिल, न्यू पेन, न्यू इरेजर और न्यू बॉक्स दिखाने लगता है, खुशी खुशी से दिखाता है। और रागिनी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उस वो स्कूल में नहीं पढ़ती थी। मुझे भी पढ़ने, मतलब रागिनी को भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके मम्मी और डैडी उसे पढ़ाते नहीं थे। तो रोहित स्कूल जाता है, बहुत दिन बीत जाते थे और रोहित क्लास में खूब सिर्फ फेल ही होता था। और रोहित एक दिन रागिनी को बोलता है कि मैं स्कूल में सिर्फ खेलने के लिए जाता हूँ, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। इसके बाद रागिनी रोहित को बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, मम्मी और डैडी तुम्हें इतने कोशिश करके उस स्कूल में एडमिशन कराया है और तुम्हारे उस स्कूल के फीस भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो मम्मी और डैडी वो फीस बहुत डिप्रेशन में, उनको बहुत दुख होता है और उनके पास बस ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए थोड़ा मतलब वो फीस भरते थे, इसलिए सौरभ को रागिनी ये बोलती है। और रागिनी सौरभ को बहुत समझाने लगती है लेकिन सौरभ नहीं समझता। उस दिन रागिनी एक विंडो के पास बैठी हुई थी, रात के ठीक 12 बजे, और तब उसे आवाज सुनाई दी, A for apple, B for ball, C for cat। रागिनी सोचती है इस टाइम में कौन पढ़ रहा होगा, तो रागिनी देखने के लिए बाहर जाती है किसी को बिना बताए। तो रागिनी बाहर जाकर देखती है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है स्कूल। तो स्कूल देखकर रागिनी वहाँ पर चली जाती है और वो एक मैडम को देखती है जो एक बच्चे को पढ़ा रही, एक नहीं बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रही थी। और फिर एक घटना घटती है, रागिनी देखती है कि वो मैडम कोई इंसान नहीं है, चुड़ैल थी और यहाँ वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी नॉर्मल इंसान नहीं, वो भी भूत थे। तो वहाँ पर जो मैडम थी वो रागिनी को बोलती है कि तुम इतनी लेट क्यों हो, हमारी क्लास तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है। रागिनी सुनकर बहुत डर जाती है,
उसके बाद वो देखने के लिए कि वहाँ पर क्या होता है क्लास के अंदर चली जाती है, और टीचर उन सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगते हैं। और जब स्कूल ख़त्म होता है तब मैडम सबको एक एक करके टॉफ़ी देती है और रागिनी को बोलती है कि तुम किसी को मत बताना कि हम इन सब बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर तुम कभी भी किसी को बोलती हो कि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं रात में, तो हाँ हम यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाएंगे। तब रागिनी को उस रागिनी को चुड़ैल मैडम नहीं पढ़ाएंगे तो वो बोलती है। उसके बाद रागिनी रोज़ 12 बजे स्कूल में जाने लगती है, और स्कूल ठीक 3:35 पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी उसके पास बैठे एक चुड़ैल लड़की से पूछती है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, मैंने ना एक बात आपको नहीं बताई, मैं भूल गई थी, मैं पागल हूँ। तो रागिनी जब स्कूल में क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर उसके लिए एक न्यू बैग, बोतल, पेंसिल, इरेजर, बॉक्स सब कुछ था। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ। तो रागिनी उस चुड़ैल लड़की से पूछती है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर मैम हम सब कितने अच्छे से पढ़ाती हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे भी यहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद रागिनी पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो लड़की बोलती है कि बहुत साल पहले इस स्कूल में आग लग गई और यहाँ पर सारे बच्चे और मैडम जल के मर गए, और जो इस स्कूल का मालिक था वो भी मर गया, इसलिए इस स्कूल में कोई अब पढ़ाता नहीं है और स्कूल बंद हो चुका है। ये सुनकर रागिनी थोड़ा डर जाती है, लेकिन यहाँ पर सब टीचर्स बहुत अच्छे थे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बहुत साल बीत जाते हैं। मैं बंगाली बोलती हूँ ना, तब मैंने पढ़ते पढ़ते बोल दिया पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो मैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकती। तो शुरू बहुत साल बीत गए और रागिनी बहुत इंटेलिजेंट भी हो चुकी थी। और एक दिन सौरभ और रोहित का झगड़ा होता है, और सौरभ बोलता है मैं तुम्हें इतने खर्चे से पढ़ाता हूँ लेकिन तुम हमेशा क्लास में फेल ही होते हो। हाँ, मैंने इतने खर्चे करके तुम्हें उस स्कूल में पढ़ाया, तुम हमेशा फेल क्यों होते हो। तो उल्टा शर्मिंदा होने की जगह रोहित उसके मम्मी डैडी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगता है, और वो घर से चोरी भी करने लगता है। एक दिन सौरभ, शीतल, रोहित और रागिनी सौरभ के बॉस के एक पार्टी में जाते हैं, और रोहित यहाँ पर उस बॉस के घर में भी चोरी करता है और चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, और सौरभ का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रागिनी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। सौरभ और शीतल सोचते हैं हमने तो रागिनी को कभी पढ़ाया नहीं, तो रागिनी इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाती है। और एक दिन सौरभ और शीतल रागिनी को जोर जबरदस्ती करके बुलवाते हैं कि तुम इतना पढ़ कैसे लेती हो, पढ़ाती कैसे हो उन बच्चों को। तो रागिनी डिप्रेशन में आकर सब कुछ बोल देती है कि कैसे वो स्कूल में पढ़ती थी उन चुड़ैल बच्चों के साथ, और चुड़ैल मैडम भी पढ़ाती थी। और हाँ गाइस, वहाँ पर एक चुड़ैल नहीं, बहुत सारी मैडम भी पढ़ाती थी उनको, मतलब पढ़ाते थे उस चुड़ैल बच्चों को और रागिनी को। तो ये सब बोलने के बाद
सौरभ और शीतल बहुत शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्होंने रागिनी को पराया नहीं, सिर्फ रोहित को ही पराया और रोहित को ही प्यार किया, इसलिए रागिनी पढ़ नहीं पाई और उसे उस जुड़े मैडम्स के पास पढ़ना पड़ता। और उसके बाद रागिनी कभी भी स्कूल में नहीं गई, लेकिन हमेशा उस टीचर्स को याद करके रखी। तो गाइस, यहाँ पर मेरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और गाइस, आप सब मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।